जो भी लोग तमिलनाडु बॉयलर अटेंडेंट एग्जाम 2023 का फॉर्म भरे थे और वह शेड्यूल यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, तो दोस्तों उन लोगों का रिजल्ट आ गया है। तो आपको मतलब एग्जाम देने के लिए आपका जो एडमिट कार्ड रहता है वह जारी कर दिया गया है। तो किन किन लोगों का फॉर्म सिलेक्ट हुआ है और वह लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ और नाम दिखा भी रहा हूँ, नाम दिखा रहा हूँ, रोल नंबर दिखा रहा हूँ, उनका फादर नेम दिखा रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप भी तमिलनाडु बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म भरे थे और आप लोग देख सकते हैं 2024 का फॉर्म, अभी उसका एग्जाम होने जा रहा है तमिलनाडु का, तो अगर आप लोग भरे थे और इंतजार कर रहे थे कि तमिलनाडु बॉयलर अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, तो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि या दोस्तों या सेकेंड क्लास का है जो लोग का फॉर्म सिलेक्ट हुआ है और वह लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, उन लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डेट 25/9/2024 से उन लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और टाइमिंग आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपका टाइमिंग रहेगा 9 बजे सुबह 9 बजे से। तो आप लोग यहां पर सीरियल नंबर देख सकते हैं और रजिस्टर नंबर देख सकते हैं और कैंडिडेट का नाम देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। तो जो जो भी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई किए थे वो लोग अपना यहाँ पर देख सकते हैं किन किन लोगों का फॉर्म सिलेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों का भी सिलेक्ट हुआ है तो आप लोग जाकर आराम से अपना एग्जाम दे सकते हैं और अपना पास हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किन किन लोगों का फॉर्म सिलेक्ट हुआ है, तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए 25/9/2024, फिर जो ये फर्स्ट का था यानी फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्जाम होना था, और देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में किसका एग्जाम होने वाला है, सेकंड शिफ्ट 11 बजे से चालू होगा जिसमें 41 से लेकर 80 सीरियल नंबर के बीच में जिसका है उसका ही एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा। और मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप अपना नाम, रोल नंबर, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ मिला सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट आपका जो 25 तारीख को होगा, थर्ड शिफ्ट 2 बजे से चालू होगा जिसमें से 81 से लेकर 120 लड़कों को अंदर बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैं स्लो स्लो स्लाइड कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो आपका फोर्थ शिफ्ट होगा वह 4 बजे से होगा जिसमें से 121 से लेकर 160 मतलब सीरियल नंबर के बीच में जिसका नाम है उसको बुलाया जाएगा। जो आपका फिर जो दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा 26/9/2024 को, वह 9 बजे से आपका एग्जाम चालू होगा दूसरे दिन भी, और इसमें से 161 से लेकर जिसका 200 के सीरियल नंबर के बीच में नाम है उन लोगों को सुबह फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया जाएगा, यानी 9 बजे से उन लोगों का एग्जाम चालू होगा। आप लोग डिस्प्ले में अपना नाम, सीरियल नंबर भी देख सकते हैं दोस्तों। और उन लोगों का जो सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होगा वह 11 बजे से होगा, सेम वही प्रोसेस, 201 से लेकर 240 के बीच में जिसका नाम है उसको सेकंड शिफ्ट में बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग अपना नाम, रोल नंबर, सीरियल नेम और डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं ध्यान से। बाकी जो थर्ड शिफ्ट रहेगा वह 2 बजे से चालू है और 241 से लेकर 280 के बीच में जिसका भी नाम या ऐसी रोल नंबर है उनको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। और फोर्थ शिफ्ट जो है आपका 4 बजे से है जिसका 281 से लेकर 320 के बीच में नाम है सीरियल नंबर में, उन लोगों को फोर्थ शिफ्ट में बुलाया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट बच रहे हैं उनका फिर 27 तारीख को सुबह 9 बजे से चालू होगा जिनका सीरियल नंबर
321 से 360 के बीच में नाम है, उन लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में 27 तारीख को बुलाया जाएगा। आप लोग अपना नाम, रोल नंबर, सीरियल नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। बाकी सेकंड शिफ्ट का 361 से 400 के बीच में जिसका नाम है उसको बुलाया जाएगा। यहाँ पर स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं। बाकी जो थर्ड शिफ्ट है उनको 401 से 440 के बीच में जिसका नाम है उसको बुलाया जाएगा। दोस्तों यह सेकंड क्लास वालों का है, और फर्स्ट क्लास वाले का भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दें, मैं फर्स्ट क्लास वाले का भी बना दूंगा वीडियो। तो यह जो आपका फोर्थ शिफ्ट है वह 441 से लेकर 480 के बीच में जिसका रोल नंबर है उन लोगों को फोर्थ शिफ्ट में बुलाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों का बच रहा है उनका 28/9/2024 को एग्जाम है, जिसमें से 441 से 520 के बीच में जिसका भी नाम है उन लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। बाकी जो सेकंड शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में 521 से 560 के बीच में जिसका है उसको बुलाया जाएगा। बाकी आपका यह लास्ट दिन रहेगा, 28 तारीख को आपका लास्ट पेपर रहेगा, उसके बाद सेकंड क्लास का एग्जाम खत्म हो जाएगा। जिस जो आपका यहाँ पर आपका थर्ड शिफ्ट है वो 561 से 575 के बीच में जिसका है उनको बुलाया जाएगा। बाकी यही सब नाम था, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।